चलो आज अभी देखेंगे हम हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। और इसी में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक का भी यूज करेंगे, ठीक है? तो एंटी लॉग ऑफ सेवन, अच्छा सेवन तो नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा होगा, 3.4281, इस नंबर का मुझे क्या फाइंड करना है? एंटी लॉग फाइंड करना है। ये कब यूज होगा? जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको बराबर वहां पे यूज होने वाला है एंटी लॉग। लास्ट में हम किसी भी कैलकुलेशन का एंटी लॉग निकालते हैं तो वहां पे एंटी लॉग यूज होगा, ठीक है? अब एंटी लॉग का ये आपका सेकंड पेज है, एंटी लॉग करके आपके लॉग का सेकंड पेज अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे एंटी लॉग करके है। और एंटी लॉग का फिर से फर्स्ट कॉलम जो स्टार्ट होता है वो 0.00 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.00 से, ये यहाँ पे है 0.00, फिर 0.01, देन 0.02, अप टू 0.99 तक के नंबर है। फिर से हमारे लॉग के जैसा यहाँ पे 0 से लेके 9 नंबर के 9 कॉलम है, और यहाँ पे फिर से मीन डिफरेंस का कॉलम है जिसमें 1 से लेके 9 तक के नंबर है। ओके, अब एंटी लॉग में क्या होता है? तो ये पहला जो नंबर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका यूज हम बाद में करते हैं, ठीक है? तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो यहाँ पे सारे पॉइंट लगे हुए हैं, तो हम भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटी लॉग देखने के लिए? पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो लॉग के जैसा ही देखना है हम 0.42 का 8 में और 1 में। यहाँ पे 0.42 देखो कहाँ पे है, और यहाँ पे स्केल लगा दो 0.42 के नीचे, और हमें काय में देखना है 8 में। 8 यहाँ पे ऊपर 8 देखो, 8 से नीचे आ जाओ और 42 पे वैल्यू देखो कितनी है। 0.42 की 8 में देखो कितनी है, 2679। हाँ 2679, ठीक है? और 1 में क्या देखोगे? मेन डिफरेंस ये 1 है, 1 में सीधा नीचे 42 तक क्या हो, यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी है, दैट इज 1। ये 1 इसमें ऐड कर दो, फिर से कितना आया, 2680, ठीक है? अब क्या बचा है कि इस नंबर का क्या करना, इस पे बार नहीं है, बार नहीं है यानी ये नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो प्लस वन करो, यानी यहाँ पे क्या होगा, 3+1 दैट इज 4। तो डेसिमल पॉइंट कितने प्लस के बाद आएगा, 4 प्लस के बाद, और डेसिमल पॉइंट हम सामने से मेजर करेंगे पीछे से नहीं। लॉगरिथम में डेसिमल पॉइंट कहाँ से काउंट करेंगे हम? सामने से काउंट करेंगे, पीछे से काउंट करते हुए नहीं आएंगे। हमारा जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब करते हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं तो हम पीछे से काउंट करते आते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे से काउंट करना है। 3+1 4, तो 1 2 3 4, यानी पॉइंट यहाँ पे जाएगा। ओके, ठीक है? सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड देखो, एंटी लॉग ऑफ 4.097, ये 2, ये नंबर है। फिर से ये पहला नंबर कैरेक्टरिस्टिक है, वो बाद में देखेंगे हम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉइंट से। लॉग में, एंटी लॉग में पॉइंट से स्टार्ट करना है। 0.09 का 7 में और 2 में, यहाँ पे 0.09 होगा और यहाँ पे 7 होगा, इस यहाँ पे स्केल लगा दो 0.09 के पास, और 7 से नीचे आ जाओ और यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी है, देखो 1.25। और 2 में मेन डिफरेंस देखो, ये 2 है आपका, 1, ये 1 इसमें ऐड कर दो, कितना हुआ, 1251। फिर से कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो प्लस 1 करो, 4+1 5, तो डेसिमल पॉइंट कितने प्लस के बाद आना चाहिए, 5 प्लस के बाद, 1 2 3 4, 0 लगा दो अगर प्लेसेस नहीं है तो, 5 एंड देन पॉइंट। फिर से देखो, एंटी लॉग ऑफ 1.4472, ये नंबर है, या 1.4438, ये नंबर है। क्या करोगे? 0.44 का 3 में देखो और 8 में देखो। चलो जल्दी करो,
पॉइंट 44 का 3 में देखो कितना है, कितना है 2773, और 8 में कितना है तो 5 है, ये 5 इसमें ऐड कर दो कितना होता है 2778। कैरेक्टरिस्टिक फिर से पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो प्लस 1 करो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी प्लस का साइन आता है तो प्लस 1 करो, यानी 1 + 1 दैट इज 2, तो डेसिमल पॉइंट कितने प्लस के बाद आएगा, 2 प्लस के बाद, 1 2 देन पॉइंट। एंटी लॉग ऑफ 0. यही नंबर लेती हूँ मैं 4438, यही लॉग एंटी लॉग आएगा दैट इज 2778। अब 0 ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो 0 + 1 कितना होगा 1, तो डेसिमल पॉइंट कितने प्लस के बाद आएगा तो 1 प्लस के बाद आएगा दैट इज 2.778। ये समझ में आ रहा, लॉग सारखाच बघायचा आंटी लॉग, फक्त सुरुवात कुठून करायची आहे, पॉइंट पासून सुरुवात करायची आहे आपल्याला, आणि कॅरेक्टरिस्टिक पॉझिटिव्ह असेल तर प्लस 1 करून तेवढ्या प्लेसेस नंतर डेसिमल पॉइंट द्यायचा आणि प्लेसेस समोरून मोजायचे आहेत, तेवढं लक्षात ठेवा। आज मी पॉझिटिव्हचेच घेते, मग उद्या लागल्यास निगेटिव्ह आले घेऊ। अँटी लॉग ऑफ बार नाही सॉरी 3.7648, चला सांगा आता 0.76 चा 4 आणि 8 मध्ये, टेल मी 5808 0.76 चा 4 च्या लाईनी द्यायचा आहे तुम्हाला, किती आहे 5808, आणि 8 मध्ये मेन डिफरन्स बघा किती आहे, या 11, हा हे 11 याच्यात ऍड करा, 8 1 9 1 8 5 8 म्हणजे किती झाले 5 8 1 9, सांगा डेसिमल पॉइंट किती प्लस नंतर देऊ, 4, कॅरेक्टरिस्टिक पॉझिटिव्ह आहे 3 + 1 4, तर डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 देन पॉइंट, करता येईल देव करायला, पॉझिटिव्ह वाले करून बघा, पॉझिटिव्ह वाले करून बघा, आणि लिहिता लिहिता सपोज व्हिडिओ कट झाला तर मी स्क्रीनशॉट पाठवून दिली याचा तुम्हाला। ठीक है, लिहून क्या है नंबर्स।